ज्ञापन में तीन बस हो गया नीचे करो भाई। एक तो कानून व्यवस्था जो हालात हुई है यहाँ पर, कोई हर आदमी हरियाणा में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। आम आदमी की तो देखो, जब विधायकों को इतनी धमकियाँ मिल रही हैं तो आम आदमी क्या स्थिति होगी। और यही कारण है हरियाणा में इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही है। एक कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, इसको चुस्त दुरुस्त करें। दूसरा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, एक के बाद एक घोटाला हो रहा है। अभी फार्मेसी घोटाला लेटेस्ट है, तो उससे पहले कितने घोटाले हुए हैं। हमने राज्यपाल जी को कहा है भाई हम मांग करते हैं SIT बनाते हैं, उसकी रिपोर्ट नहीं आती, CBI की करें। जैसे HPIC के दफ्तर में कितना करोड़ों रुपया मिला, लेकिन अब तक कोई जांच सामने नहीं आई। बड़ी मछली को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये साबित करता है। और तीसरा, खेदड़ में कोई भी प्रजातंत्र में कोई आंदोलन हो, कोई प्रदर्शन हो, चाहे कर्मचारी का हो, किसान का हो, मजदूर का हो, व्यापारी करते हैं, तो ये सरकार जो है लाठी और गोली से सरकार चलाने की प्रयास करती है। लाठी गोली से प्रजातंत्र नहीं चल सकता है, बातचीत से चल सकता है। खेदड़ में यही हुआ, जो वहाँ के किसान जो हैं, वहाँ के ग्रामीण जो हैं, गौशाला में राख को देते थे और सालों साल से चल रहा है। अब इन्होंने नया कानून बना दिया, वो सरकारी ऑक्शन करेगी, उनके पास पैसा आएगा, तो उसमें प्रदर्शन कर रहे थे, तो लाठीचार्ज हुआ, एक की मृत्यु हो गई। और देखो अजीब बात, मरा भी गांव का और 302 का मुकदमा भी उनके खिलाफ बनने जिनका आदमी मरा। तो ये आप इस किस्म की कानून व्यवस्था है। तो हमने कहा राज्यपाल जी को कि तुरंत जो है मुकदमे वापस किए जाएँ और उसको परिवार को नौकरी दी जाए और कंपनसेट किया जाए। कितने विधायक ऐसे हैं जिनको धमकियां मिली और जिस तरीके से कुलदीप बत्स के छह के हैं विधायक, उसमें कांग्रेस के भी हैं और BJP के भी हैं।